नमस्कार, मैं विनय राज त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और पिछली वीडियोस में हमने स्वीप कमांड के बारे में पढ़ लिया था, कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो स्वीप कमांड के बारे में रह गए हैं, तो आज उनको हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वीप कमांड से हम स्प्रिंग भी बना सकते हैं। स्प्रिंग कैसे बनाएंगे? तो स्प्रिंग के लिए हमको पहले स्प्रिंग का कर्व बनाना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्वीप होता है, स्वीप में एक पहले पाथ होना चाहिए और दूसरा प्रोफाइल होना चाहिए। तो हम पाथ बनाएंगे और पाथ हमारा कैसा होगा, वो हेलिकल होगा। हेलिकल स्प्रिंग बनाने की कोशिश करते हैं इसमें। तो पहले एक हेलिक्स बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम जाएंगे कर्व ऑप्शन में। कर्व ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। कर्व पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हेलिक्स एंड स्पाइरल ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद हमें कोई एक प्लेन सेलेक्ट कर लेना है। तो मान लीजिए हमने टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लिया और अब ये नॉर्मल हो गया। तो देखिए, स्प्रिंग में एक होता है कि डायमीटर ऑफ स्प्रिंग। तो हमने स्प्रिंग का जो डायमीटर माना है वो मान लिया है, स्प्रिंग का डायमीटर 40 मान लेते हैं, ठीक है? ज़्यादा छोटा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ से स्केच से बाहर जाएंगे। स्केच से बाहर जाएंगे तो हमने कर्व ऑप्शन लिया था, अब ये हेलिक्स में कन्वर्ट होगा। आप देख रहे हैं ये हेलिकल स्प्रिंग टाइप का बन रहा है। ये केवल पाथ बनेगा, प्रोफाइल हमें बाद में बनाना पड़ेगा। तो हमने इसका डायमीटर लिया है, ये स्प्रिंग का डायमीटर हो जाएगा, जो स्प्रिंग डायमीटर हो जाता है। अब इसके ऑप्शन है, इसमें डिफाइंड वाई वाला ऑप्शन आ रहा है, इसमें पिच एंड रिवोल्यूशन आ रहा है। हमें रखना है हाइट एंड पिच में, तो इसमें ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं, हाइट एंड पिच का ऑप्शन। तो हमने हाइट एंड पिच का ऑप्शन चूज कर लिया। अब देखिए, स्प्रिंग का हाइट हम रख देते हैं 150 mm रख देते हैं, ठीक है? ये 150 mm का हो गया, ये हाइट हो गई, ठीक है? अब पिच वैल्यू हमने मान लीजिए 10 का रख दिया। देख रहे हैं, इस तरह से हमारा हेलिक्स कर्व तैयार हो गया। ओके, तो जो आपकी नीड होगी उस हिसाब से अपना आप हेलिक्स कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है? अब हमें क्या चाहिए स्वीप कमांड में? क्या चाहिए? हमने पाथ तो बना लिए है, लेकिन अब हमें प्रोफाइल बनाना है। तो प्रोफाइल जो होगा वो इस कर्व के नॉर्मल में होगा। तो वो नॉर्मल के लिए हमको एक प्लेन बनाना पड़ेगा जो कि इस पॉइंट पे नॉर्मल हो। तो क्या, कहाँ जाएंगे हम? रेफरेंस ज्योमेट्री में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रेफरेंस ज्योमेट्री में जाएंगे, ठीक है? चले गए। अब हम सेलेक्ट करेंगे प्लेन ऑप्शन, प्लेन ले लिया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजर में कुछ ऑप्शन आएंगे, रेफरेंसेस के ऑप्शन आएंगे, थोड़ा टाइम लग जाता है। यहाँ पे है फर्स्ट रेफरेंस, दूसरा है सेकंड रेफरेंस। तो पिछले वीडियोस में भी हमने प्लेन लिया था और इसमें भी सेम वही तरीका है। फर्स्ट रेफरेंस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रेफरेंस पे क्लिक करके मान लो हमें इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लेना होता है प्लेन, उस पॉइंट पे क्लिक करना होता है, वो पॉइंट सेलेक्ट हो गया। अब सेकेंड रेफरेंस में जाके हम इस कर्व को ही सेलेक्ट कर लेंगे। और तो दोनों हमने सेलेक्ट किया, तो देख यहाँ पे क्या हो गया, उसके नॉर्मल पॉइंट पे एक प्लेन क्रिएट हो गया है। ओके, अब ये प्लेन हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक सेक्शन बनाएंगे जो स्प्रिंग का डायमीटर ऑफ वायर डायमीटर, इसको बोलते हैं स्प्रिंग का वायर डायमीटर। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके स्केच कर सकते हैं, यहाँ से स्केच कर सकते हैं और स्पेस बार दबा के नॉर्मल कर सकते हैं। अब हमको ड्रॉ करना होगा वो डायमीटर जो वायर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग होगी। तो हमने देखिए, आपको एक बात ध्यान रखना है, जब आप स्प्रिंग बना रहे हैं तो पिच हमने 10 वैल्यू लिया है। तो जब भी आप वायर डायमीटर लेंगे ना, तो वो हमेशा पिच वैल्यू से, जो स्प्रिंग का पिच वैल्यू है उससे कम लेना है, नहीं तो आपका क्लैशिंग हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्प्रिंग का बना लेते हैं, इसका डायमीटर हम रख देते हैं 5 का रख देते हैं, ठीक है? डायमीटर रख देते हैं 5 का, ये हमने 5 का वायर डायमीटर बना लिया। अब एग्जिट हो जाएंगे तो हमारे पास, अब इस प्लेन को भी हाइड कर दें, हमारे पास दो चीजें हैं, हमारे पास पाथ भी है, पाथ ये है और ये प्रोफाइल है। अब सीधा सीधा आपको स्वीप कमांड अप्लाई कर देना है, तो स्वीप कमांड अप्लाई कर देंगे। स्वीप लिया, ले लिया स्वीप हमने। अब ये कह रहा है सेलेक्ट प्रोफाइल, प्रोफाइल कौन सा है जी, ये है हमारा प्रोफाइल, सेलेक्ट कर दिया। दूसरा कौन सा ऑप्शन है, सेलेक्ट पाथ, तो हम क्या करें, पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं, पाथ सेलेक्ट कर दिया। और देखिए, बड़ी आसानी से ये हमारा स्वीप हो गया और ये स्प्रिंग पार्ट हमारा बन गया है। ठीक है जी,
तो ये स्प्रिंग बना सकते हैं स्वीप कमांड से, हम स्प्रिंग भी बना सकते हैं। और भी कई तरीके हैं स्प्रिंग बनाने के लिए, तो चलते हैं दूसरा तरीका एक ट्राई करते हैं वो कैसे बनेगा। इसमें हमें हेलिक्स कर्व बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइल न्यू, न्यू पार्ट ले लेते हैं। ओके, इससे हम स्वीप कमांड में पहले स्केच करेंगे। इसका एक अगला तरीका हम देख सकते हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। आपने बना लिया पाथ, ये हमारा पाथ हो गया, एक पाथ बना लिया हमने। अब स्केच दूसरा लेंगे, दूसरा स्केच लेंगे, ठीक है, इसी प्लेन पे। आपको याद रखना है कि हमें जो पाथ और प्रोफाइल बनाया हमने वो अलग अलग स्केच में हो, दो अलग अलग स्केच हो, स्केच वन और स्केच टू, ये दो चीजें हमने बनाई है। ओके, अब हम इस पे अप्लाई करेंगे, फीचर में जाएंगे तो ये स्वीप देखिए हाईलाइट हो गया है। स्वीप लिया हमने, अभी कह रहा है प्रोफाइल, तो प्रोफाइल हमने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ये है हमारा पाथ, पाथ सेलेक्ट कर लिया। अब कहाँ जाएंगे, अब तो ये अप्लाई हो ही नहीं रहा है, तो हम ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में क्या लेंगे, यहाँ पे विस्ट लैंग पाथ और यहाँ पे डिग्री की जगह टर्न ले लेंगे। और हम टर्न करेंगे, जब टर्न बढ़ाएंगे 1000 टर्न में इस टाइप का स्प्रिंग बन गया, कोई बात नहीं 2000, ठीक है, इस तरह से हमारा स्प्रिंग बन गया है। ओके, ठीक है, तो ये भी एक तरीका है स्प्रिंग बना सकते हैं।